बहुत अच्छा है, आईपीएल का बड़ा अच्छा सिस्टम है, फिर क्रिकेट जितनी खेलते हैं, अभी तक इंडिया को भी 10 साल हो गए हैं कोई टाइटल नहीं जीता आईसीसी का, लेकिन फिर भी वो लोग टॉप पे जो है वो फिनिश करते हैं। सेमीफाइनल फाइनल में हार रहे थे, वर्ल्ड कप 2023 का हुआ उसमें भी फाइनल तक पहुंचे, 2022 में भी, 22 में सेमीफाइनल में हारे, हाँ जी, न्यूजीलैंड से। तो अब इंडिया का मेरा ये दिल है कि इंडिया ट्रॉफी ले, वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीते। कल का मैच दोनों टीमें बहुत अच्छा खेलेंगी, दोनों मुल्क के लिए खेलेंगी, पाकिस्तान से अच्छा खेलेंगी, दोनों मुल्क के लिए खेलेंगी, दोनों का कंपटीशन जो होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन अफगानिस्तान स्ट्रगल करके जीतेगा जरूर। परेड का इंडिया का पहला मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ, क्या लगता है कि इंडिया जीत पाएगा? स्टेट मैच जीत जाएगा इंडिया, बाप बेटे का मुकाबला होने जा रहा है। डेफिनेटली यार इंडिया बहुत बड़ी टीम है, इंडिया जीतेगी यार। ये कोई सवाल पूछने वाला है? ऑफ कोर्स इंडिया यार, ये कोई सवाल है करने वाला? इंडिया ने जीतना है यार, वो बच्चे ही हैं। इंडिया ने वो अफगानियों को जिनको क्रिकेट सिखाया उनको मार मार के लली बना देना यार। आपको पूछने वाला सवाल यार, कभी अफगानिस्तान की टीम है, मेरे कोच हो और मैं आपका शागिर्द हूं, आप मेरे बॉस हो, बॉस से कभी कोई मुकाबला भी होता है? पर अफगानिस्तान पाकिस्तान को टफ टाइम देता है यार, पाकिस्तान की टीम है ब्रो, वो तो यूएसए को टफ टाइम दे गई है। पहली बात तो ये आप सवाल ना आउट ऑफ सिलेबस ना करें, क्योंकि भाई पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान टीम ये है, इंडिया की टीम ये है, इंडिया की टीम का यार उनका ये यार उनमें यूनिटी है, उनमें पहली बार उनके ना टीमों में ना ग्रुपिंग नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे एक यार देखे आपकी एक टीम का कोच ने कह दिया, गैरी क्रिस्टल ने कह दिया कि हमारी टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, और टीम इंडिया का गैरी क्रिस्टल ही था ना जिसने 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाया था, वही कोच है पाकिस्तान की टीम का, देखो क्या यूनिटी नहीं है, पहले राउंड से बाहर हो गई है। अब दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इंडिया को हरा देगा, कुछ तो जी आप 60% चांसेस अफगानिस्तान के बता रहे हैं और 40% चांसेस इंडिया के बता रहे हैं। तो भाई साहब ये बात मानते हैं कि अफगानिस्तान की टीम आज से 2 साल पहले अफगानिस्तान के हवाले से हम उस तरह से नहीं सोचते थे जैसे आजकल हम सोचते हैं, क्योंकि तब हमें लग रहा होता था कि कोई भी बड़ी टीम अफगानिस्तान की टीम को जाके जो है शिकस्त दे सकती है, लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट अफगानिस्तान की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, वो बड़ी से बड़ी टीम को शिकस्त देने की काबिलियत रखते हैं। हमने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम को 75 भी ऑल आउट कर दिया, बाकी तो इनके ग्रुप में छोटी टीमें थी उनको तो मारा ही मारा, वन साइडेड मारा, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी वन साइडेड अफगानिस्तान की टीम ने जो मार दिया है, ठीक है। और अब सामने न्यूजीलैंड नहीं है, सामने इंडिया की टीम है, ठीक है। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि इंडिया को अफगानिस्तान मुश्किल में डाल सकता है, ठीक है। कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, एक बाप है एक बेटा है, नो डाउट इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को हर जगह के ऊपर, अपने कोचिज उनको देता है कि आप उनसे सीखें, उनकी हेल्प आउट करते हैं, उनको प्रैक्टिस सेशंस में प्रैक्टिस करवाता है, बट द थिंग इज दैट कि अफगानिस्तान इज नॉट अ स्मॉल टीम। सर कल अफगानिस्तान ने इंडिया को हरा देना है, ठीक है। जो अफगानिस्तान है वो इंडिया का बाप है, बाप समझा तो इंडिया बाप जाता था, कहाँ पे बाप समझा जाता है सर, ये वर्ल्ड बिगेस्ट टीमें हैं ये दो अफगानिस्तान और इंडिया, और कल बाप और बेटे का टक्करा होगा, होगा ना कल इंशाल्लाह, आप देखिएगा अफगानिस्तान के इंडिया को हरा देना है। आज अफगानिस्तान ग्रुप में नंबर वन पे लीड गार्ड है, बिल्कुल, इधर से इंडिया नंबर वन पे लीड गार्ड है, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मुकाबला ऐसा क्या कहे इंडिया के सामने, आप बेशक मैं कहता हूँ इस टाइम सारे मम्मी डैडी खिलाड़ी, सारे पुराने खिलाड़ी, क्रिस गेल, जिस मर्जी को उठा के ले आओ ना, इंडिया से जीतना नामुमकिन हुआ हुआ है। इंडिया अपना माइंड सेट चलाती है, टीम वर्क करती है, इंडिया जो है मेहनत करती है बॉलिंग में, फील्डिंग में, हाँ। बैटिंग में, जिस तरीके से सुपर एट शुरू हो चुका है, अगर बात करें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मध्य मुकाबले होने जा रहे हैं, बात करें एक इंडिया की ए साइड है और एक इंडिया की बी साइड है, क्या समझते हैं कौन बाजी मारेगा? देखिए अफगानिस्तान कोई ऐसी टीम तो है नहीं है कि लाइक आप कह रहे हैं कि भारत को टक्कर नहीं देगी, वो डेफिनेटली भारत को टक्कर देगी, दोस्ती यारी अपनी जगह पर, जब आप अपने नेशन के लिए खेलते हैं तो हर चीज आपको कह लेंगे पीछे रखनी पड़ती है। हम कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, एक बाप है एक बेटा है, नो डाउट इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को हर जगह के ऊपर, अपने कोचिज उनको देता है कि आप उनसे सीखें, उनकी हेल्प आउट करता है, उनको प्रैक्टिस सेशंस में प्रैक्टिस करवाता है, बट द थिंग इज दैट कि अफगानिस्तान इज नॉट अ स्मॉल टीम। आप नोटिस किया होगा आपने कि बड़े बड़े जॉइंट्स के साथ दो टीमें ऐसी हैं जो कि छोटी, एक अफगानिस्तान एंड एक बांग्लादेश, ठीक हो गया, एंड अफगानिस्तान इज दैट टीम जो उसने अपने ग्रुप में टॉप किया है और न्यूजीलैंड जैसी टीम को अपने ग्रुप में से उठा के बाहर फेंक दिया, ऐसा पिछाड़ा उसने उस दिन। चुका है दिन इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, बड़ा मैच है सुपर 8, तो वेलकम करते हैं फुरकान भट्टी को, इनसे पूछते हैं क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है फुरकान, कौन जीत रहा है, क्योंकि मैच जीतना सुपर 8 में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मरहले में आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। बिल्कुल अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए, ऑब्वियसली अगर एक आम फैन से पूछें वो देख के यार शायद इंडिया फेवरेट है, लेकिन अफगानिस्तान को आप बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते, ये उनके लिए बेहतरीन कंडीशंस हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अफगानिस्तान बहुत टाइम से पास आती जा रही है इंडिया को हराने के लिए, आपको इनका वो सुपर 8 भी याद होगा, दो दो ओवर्स का,
उसके बाद एशिया कप में इन्होंने एक टाई किया, तो मेरा ख्याल है इंडिया कभी भी इजी नहीं लेगा अफगानिस्तान को, जैसे कल राहुल द्रविड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा। तो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी होगी अगर कोई फैन भी ये सोचे कि अफगानिस्तान को हराना बिल्कुल आसान है, आसान बिल्कुल नहीं है। क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हो फरकान, या क्या चेंजेस सजेस्ट करते हो टीम इंडिया को? हम तो एक्सपेक्ट क्या करें, हम सजेस्ट ही करते हैं, बाकी तुक्का कभी लग जाता है। देखिए तमाम फैंस मेरा ख्याल है यही चाह रहे हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी कि विराट कोहली को उनके ओरिजिनल नंबर पे बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि विराट का जो रोल है वो रीढ़ की हड्डी का है। अभी आपने टोटल उनका रोल बदल दिया, उनके करियर के लास्ट में आपने उनको ओपनर भेज दिया, वो अभी भी वो आईपीएल वाले जोन में है। देखिए विराट का काम टीम को कैरी ऑन करना है, आगे लेके जाना है। आई नो बाकी प्लेयर्स भी थोड़ा सा टीम को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसको आप करियर के लास्ट में ना छेड़ें, वो पंजाबी में हम कहते हैं ना छेड़ मलंगानू, तो उनको आप बिल्कुल ना छेड़ें। और मेरा ख्याल है यशस्वी को इनको ओपन करानी चाहिए रोहित के साथ, विराट वन डाउन आगे, और शिवम दुबे को इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। शायद न्यूयॉर्क में थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग, यू नो किसी को भी कंफर्म नहीं था कि ये विकेट कैसा खेलेगी, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कंडीशंस बिल्कुल चेंज है। इसका बिल्कुल कंपैरिजन ना करें जो पीछे यूएस में हमने वर्ल्ड कप देखा है, टोटली ये नई कंडीशंस हैं। और यहाँ पे अगेन हमारे पास अच्छा खासा सैंपल रिकॉर्ड मौजूद है कि ये ग्राउंड कैसा खेलता है, 160-70 यहाँ पे बेहतरीन टोटल है। तो मेरा ख्याल है टिपिकल T20 क्रिकेट, यशस्वी को आप ओपन करें और विराट टीम को आगे लेके चला। पिच बिल्कुल हमारे सामने लगता तो ऐसा है कि स्पिनर का बॉल ग्रिप करेगा और स्पिनर्स विल शोरली गोइंग टू कम इनटू द प्ले, इसलिए कुलदीप यादव की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। जेन्युइन विकेट टेकर है इंडिया के और वो किसी भी सरफेस से बड़े थ्रेटनिंग होते हैं। टॉस की कितनी इंपॉर्टेंस आपको लगता है, अहमियत बढ़ जाती है इन कंडीशंस में? देखें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है टॉस को लेके वो ये है कि यहाँ पे गर्मी अच्छी खासी है, और जिस तरह दिन आगे जाएगा दोपहर को विकेट और फ्लैट होता रहेगा, धूप लगती रहेगी, तो टॉस मेरा ख्याल है ऑब्वियसली कैरिबियन कंडीशन में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स सी कौन सी टीम कल ज्यादा फायदा उठाती है, कौन सी टीम ज्यादा फायदा उठाती है। लेकिन ये गैरी सोबर्स का ग्राउंड है, मेलकम मार्शल का ग्राउंड है, और गैरी सोबर्स की जब बात करें हमेशा उनका विराट को लेके बड़ी एक ऐसा मेरे ख्याल से उनका आउटकम रहा है कि जहां विराट को वो एक बहुत बड़ा प्लेयर देखते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर समझते हैं। बड़ी आइकॉनिक ग्राउंड में हम मौजूद हैं, मेलकम मार्शल का ग्राउंड है ये, इस गैरी सोबर्स का ग्राउंड है, आज के ज़माने में जेसन होल्डर का मुल्क है ये। सो क्या लगते हो इस ग्राउंड में विराट कोहली और वो लेगेसी, फिर अब वो मरहला आ चुका है जहां हर गेम एक तरीके से नॉकआउट है, हाउ डू यू सी विराट कोहली यूजिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी? क्योंकि हमको सबको पता है के बड़ा रियलिटी में होता है कि विराट कोहली के 3 बैक टू बैक वो भी फेलियर्स हो जाएं, वो भी वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली हाँ सच बात है, क्योंकि विराट कोहली आपको पता है पाकिस्तान को जब वो हरा सकता है तो फिर कुछ भी कर, कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। पाकिस्तान आपको पता है वैसे ही हार जाता होता है जब भी वर्ल्ड कप खेले, तो इस दफा भी सैडली इंडिया का अच्छा प्लेयर वो ही है विराट कोहली। क्यों भाई अच्छा खेलता, मुझे मैच वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विराट कोहली की बात कर रही हूँ, मैं नहीं मैच देखती। आप नहीं देखते? हाँ। आपको लगता है कि विराट कोहली दूसरी टीम्स पर प्रेशर बिल्ड करता है अपना? आई थिंक यस। सबसे पहले उसने बोला यस, क्यों करते हैं पता नहीं। अच्छी बैटिंग लेता, बैटिंग एंड बॉलिंग बहुत वो बहुत अच्छी लेता है और अच्छा प्ले करता है। अच्छा प्ले करता है यानी फिर उनका प्रेशर लेना बनता है अफगानिस्तान? ऑब्वियसली, और आई थिंक इंडिया का विन, इंडिया ही जीतेगा। यस अच्छा, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया में इंडिया जीतेगा? इंडिया जीतेगा यार, मुझे लगता है बिकॉज उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो फॉर श्योर बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अभी मैच खेलते हुए देखा आपने उनको? हाँ देखे काफी टाइम, तो पारी देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो तो वो तो हर कोई देखता है। नहीं आप चाहते हो कि कल इंडिया जीते? अफगानिस्तान पसंद नहीं है? हमारे नेबर्स हैं तो कोई बात नहीं, इतना सा बनता है। हमारे नेबर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड्स, क्या बात है भाई, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं इंडिया तो अफगानिस्तान भी तो नेबर है। इंडिया चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स इंडिया से हैं। कौन कभी आपने पूछा उनसे कि इंडिया के अंदर क्या होता क्या नहीं होता? वो बहुत शाय है। तो आई थिंक इंडिया। अफगानिस्तान भी तो नेबर है? नहीं, इंडिया के हमारे काफी रिलेटिव्स हैं तो वो इसलिए पुराना ना मान जा। इसलिए आप लोगों के जो वहाँ पर नेबर्स है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लाइक करते हैं?
हाँ बिल्कुल, जब अच्छा खेले जब बुरा खेले तब नहीं नहीं वैसे भी अच्छे हैं, कभी के बार हो जाता है तो इट्स फाइन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो किसको सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान आप नहीं, वो इंडिया वाले, इंडिया वाले इंडिया को करते हैं, इंडिया को करते हैं। लेकिन जब अगर पाकिस्तान जीत जाए तो वो हमारे साथ सेलिब्रेट जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे ही कल रोहित शर्मा ने बैटिंग करी, पाकिस्तान है ये जो नमक हराम है, जो हमारा हमसे खा के हमारे भी पड़ जाते हैं। इनको पता लगेगा कि भाई चाहे इरफान पठान ने इनको क्रिकेट सिखाई है लेकिन इंडिया नहीं बख्शेगी, इंडिया ने इनको ऐसा हराना है। ठीक है, उन्होंने आपने देखा होगा यार बड़ी बड़ी टीम आई है इंडिया के सामने, इंडिया किसी के सामने डटने वाली नहीं है। ठीक है, इंडिया के सामने चाहे जितनी बड़ी टीम आए जितनी छोटी टीम आए, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, भाई इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया छोड़ने वाली नहीं है। और भाई पाकिस्तान तो बच्चा है ना, पाकिस्तान टीम एक बच्ची टीम है। ठीक है ना, पाकिस्तान टीम एक यूएसए टीम के साथ मुकाबला कर सकी, आयरलैंड के साथ मुकाबला नहीं कर सकी, तो कनाडा के साथ मुकाबला नहीं कर सकी, तो उन्होंने बाकी टीमों के साथ क्या मुकाबला कर लिया। इंडिया बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, इंडिया का एक लेवल, एक जो मियार है ना, बहुत ऊंचा है। अफगानिस्तान भाई कुछ कहना चाहिए यार, पता है इन्हें बोलने जरा यार, बाप बेटा जब बहस कर रहे हो कभी बेटा जीता है नहीं ना, फिर यहाँ से अंदाजा लगा लो भाई बाप जीतेगा इंडिया जीतेगा। अफगानिस्तान गया अफगानिस्तान बढ़ गया यार। पहली बात यार, मैं अफगानिस्तान को ना इस चीज पे अप्रिशिएट करूंगा, चाहे जो भी है यार, चाहे उन्होंने हमारे पाकिस्तानी कोचिस से अपनी क्रिकेट सीखी है, इंजमामुलक से सीखी है, वसीम अकरम से, जिसे भी सीखी है अपनी, उन्होंने क्रिकेट कितनी ज़्यादा पॉलिश की है, अपनी क्रिकेट को किस तरह आगे लेके जाए, चाहे राशिद खान है चाहे जो भी है बॉलर उनका बैट्समैन है, अपनी उनको उन्होंने अपनी क्रिकेट को किस तरह पॉलिश किया। हम एज अ कम्पेयर टू मैं पाकिस्तान टीम के साथ करूँ तो हमारी पाकिस्तान टीम अभी भी T20 को ना स्लो टेस्ट मैच में खेल के चल रही है, अफगानिस्तान बहुत आगे चली गई भैया। हाँ रही बात इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, इजीली इंडिया बीट करेगा, उनकी ओपनिंग ही बहुत बड़ी है। ठीक है ना, फाइनल में ब्रो कौन सी अब दो टीमें देख रहे हो यार? वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, और वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड पे है, ट्रॉफी जल्दी देगी नहीं मैं... ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी यार? मेरे ख्याल से ट्रॉफी ना यार वेस्ट इंडीज उठाएगी, क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज नॉट कमिंग स्लो। ठीक है ना, उन्होंने भाई इतना बड़ा इवेंट अपना मिस किया, दो बड़े जेंट्स का मुकाबला होने वाला है भाई, उन्होंने अपना सबसे बड़ा इवेंट मिस किया, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, उन्होंने उस वर्ल्ड कप का बदला ना ODI वर्ल्ड कप का बदला इस T20 इंडिया ने अपने भी वर्ल्ड कप का बदला लेना जो अपने होम ग्राउंड पे, वो ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया से लेंगे जरूर, वो 24 तारीख को लेंगे। हाँ वो 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से जरूर लेंगे, और देखना बड़ा बुरा तरीके से बदला लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारेंगे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया भी कहेगी यार, ट्रेविस हेड भी कहेगा यार मैंने तो इंडिया में जाके चुप करा देगा, क्योंकि विराट की एक T20 में सेंचुरी है वो अफगानिस्तान के खिलाफ है। कल मुझे ये लग रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरी ना लगा दे, रोहित शर्मा फॉर्म में ना जाए भाई साहब, क्योंकि अगर इंडिया की कल बैटिंग आ गई तो आपको एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएसए की विकेट्स गंदी थी, वहां पे रन नहीं बने, लेकिन वेस्ट इंडीज की विकेट्स पे देखिए आज साउथ अफ्रीका का जो मैच था यूएसए के साथ अच्छा मैच हुआ, दोनों साइड ने अच्छा खेला, तो डेफिनेट बात है कि इंडिया और जो होने वाला है अफगानिस्तान वो भी हाई स्कोरिंग होगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, मुझे ये बताइए कि बॉलिंग स्टैंड की अगर बात करें तो इंडिया के पास भी नंबर वन बॉलिंग लग रही है, और जैसे अगर अफगानिस्तान की बात करें उनके पास भी नंबर वन बॉलिंग, लगता नहीं कि यार जो उनके बॉलर हैं वो इंडिया के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, सूर्य कुमार यादव के लिए, रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए? सर वो सूर्य कुमार यादव है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, वो आजम खान, इफ्तिखार अहमद या आपके कोई 100 करोड़ बैटर्स नहीं है भाई, वो उन्होंने IPL में खेला हुआ है, यही राशिद खान है जो IPL में खेलता है, यही नवीन है, यही फैजल फरूकी है यार, वो जो इंडिया के बैट्समैन है वो तो दुनिया के लिए रेडी है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के लिए रेडी है, वो तो पैट कमिंस के लिए, जोफ्रा आर्चर के लिए रेडी है, ये तो फिर अभी अफगानिस्तान के बच्चे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान नो डाउट अभी भी बच्चे, आप कह रहे हैं इनको इंडिया के सामने, इंडिया के सामने, दुनिया के सामने तो ये पूरी नुमाया टीम बन गई है, किसी भी टीम को ऑफसाइड लगा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया को नहीं। आपको याद है जब इंडिया साउथ अफगानिस्तान इंडिया में खेलने गया तो रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई थी, फिर सुपर ओवर में जितवाया, उसके बाद दूसरे सुपर ओवर में जितवाया, तो मतलब अगर उस दिन अफगानिस्तान नहीं जीत सका तो भाई फिर अफगानिस्तान इंडिया से नहीं जीत सकता, मतलब कि कोई चांसेस हाँ। नहीं है, कोई थोड़े बहुत परसेंटेज, अगर परसेंटेज में बताएं कि भाई अफगानिस्तान कितने चांसेस है? यार मैं बिलीव करो आपको 5% ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता, 95% इंडिया के साथ है, वन साइडेड मैच होने वाला है, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, मैं बहुत ज्यादा, आप कहेंगे कितना टारगेट जो है वो इंडिया दे सकते हैं अगर पहले बैटिंग करता है तो 220 इजीली ठीक हो गया, और अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या लगता है कितनी तक इंडिया के बॉलर्स रोक लेंगे? 150 राउंड बॉल, आराम से 150 के अंडर रोक लेंगे,
50 भी वैसे कम नहीं बताया आप। नहीं नहीं सर, हाँ पर 50 कम नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज की विकेट पे ये नॉर्मल रन है, वेस्ट इंडीज विकेट पे ज्यादा नहीं, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो 150 मैक्स 750, वरना 120-130 पे रोक लेंगे। और देखिए बुमराह, हर्षदीप, सिराज अभी तक फॉर्म में नहीं आया, सिराज का अभी जलवा बाकी है भाई साहब, शिवम दुबे रहता है, हार्दिक पांड्या है, मतलब बॉलर्स उनके पास बड़े ज्यादा है। अगर आप कहें कि अफगानिस्तान इंडिया को 200 लगा देगी तो ये इम्पॉसिबल बात है। इंडिया अफगानिस्तान के मैच में तो इंडिया कह रहे हैं कि आप विनर है, क्या लगता है कि ये दोनों टीमें फाइनल तक जा सकेंगी, कौन जो है वो फाइनल जीत सकता है फाइनल तक? नहीं यार देखिए, अगर मैं कहूँगा अफगानिस्तान फाइनल तक जाएगी तो ये ज्यादती होगी। ये टीम अच्छी है, इस दफा टॉप 8 के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं सुपर 2 में जाती हूँ किसी को देख रहा हूँ तो इंडिया तो डेफिनेटली है ना, और उसके बाद वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बहुत हैवी चांसेस है, और वेस्ट इंडीज मुझे 70% लग रही है, ऑस्ट्रेलिया 30% लग रही है, मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज इंडिया फाइनल खेलेगा। यार अफगानिस्तान की टीम, भैया अफगानिस्तान की टीम में जो खेलना था ना ग्रुप स्टेज में खेल दिया भैया, अच्छा भैया आपने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वेस्ट इंडीज से भी बड़ी बुरी तरह हारे हैं, इंडिया से इससे भी बुरी तरह हारेंगे, इंडिया नहीं बचने वाली सुपर 8 में। बात ने फजल फरूकी ने समझा था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ के सामने छोटे प्लेयर है जिनको अब लग रहे हैं न्यूजीलैंड को हराया है, और भाई वो वेस्ट इंडीज वाले हैं, वो ऐसा छक्का मारते हैं ना कि सारी जिंदगी, वो तो अभी वेस्ट इंडीज थी। फजल फरूकी को ना सही जो नजर आना ना विराट कोहली नजर आएगा सामने, रोहित शर्मा चले या ना चले, मैं चाहता हूँ विराट कोहली मारे और इस तरह नाचे ग्राउंड के अंदर, जैसे इन लोगों ने वर्ल्ड कप हरा के पाकिस्तान के सामने नहीं नाचा था, वैसे ही विराट कोहली ऐसे से नाचेगा, विराट कोहली चलेगा, क्योंकि भैया आपको पता है कि ग्रुप स्टेज में विराट कोहली चला क्यों, क्योंकि यार छोटी टीम है, छोटी टीमों के लिए आप खेल के क्या परफॉर्म करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, उसने अपनी यार पर सुपर 8 तो है ना, उसने अपनी एनर्जी बचा के रखी है सुपर 8 नॉकआउट स्टेजेस के लिए, वहां पे जब ये मारेगा छक्के अपनी कवर ड्राइव वगैरह, जब ये 50-100 स्कोर करेगा ना, फिर आपको पता लगेगा कि विराट कोहली किंग क्यों है क्रिकेट। यार मैं तो चाहता हूँ कि कल के मैच के अंदर ना इंडिया करे पहले बॉलिंग, ओए होए 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 होए, पहला ओवर दे बुमराह को और बुमराह करें सबको गुमराह, फिर आगे दूसरे ओवर के अंदर आ जाए आउट ऑफ सिलेबस के लोग लगा दे अश्विन को जो है भी नहीं, उसको बुलाकर लगा दे, फिर लगाए जतेजा को, फिर लगाए जाकर कुलदीप यादव को, ये 4-5 ओवर तो मैंने आपको गिना दिए, मतलब के 7 विकेटें, ये टीम 100 से पहले आउट है, और रो हिटमैन और किंग विराट ये 5 ओवर से पहले स्कोर कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, बड़े मैच के अंदर विराट कोहली रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग के अंदर आएगा भाई शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव, जैसे वो नहीं आप देखते हो मैच नहीं है, मजाक चल रहा है यार, वो कल के मैच के अंदर इतनी मीम्स निकलनी है ना, कल के मैच के अंदर पता कैसे, वो आपने मीम नहीं देखी, छोटा सा लड़का ऐसे कप पकड़ के बैटिंग कर रहा था, वैसे ही कल रोहित शर्मा ने बैटिंग कर ली, नवा खराम है जो हमारा, हमसे खा के हमारे भी पड़ जाते हैं, इनको पता लगेगा कि भाई चाहे इरफान पठान ने इनको क्रिकेट सिखाई है लेकिन इंडिया नहीं बख्शेगी, इंडिया ने इनको ऐसा हराना है। ठीक है, उन्होंने आपने देखा होगा यार बड़ी बड़ी टीम आई है इंडिया के सामने, इंडिया किसी के सामने डटने वाली नहीं है, ठीक है, इंडिया के सामने चाहे जितनी बड़ी टीम आए जितनी छोटी टीम आए, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, भाई इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया छोड़ने वाली नहीं है, और भाई पाकिस्तान तो बच्चा है ना, पाकिस्तान टीम एक बच्ची टीम है, ठीक है ना, पाकिस्तान टीम एक यूएसए टीम के साथ मुकाबला कर सकी, आयरलैंड के साथ मुकाबला नहीं कर सकी, तो कनाडा के साथ मुकाबला नहीं कर सकी, तो उन्होंने बाकी टीमों के साथ क्या मुकाबला कर लिया, इंडिया बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, इंडिया का एक लेवल, एक जो मियार है ना बहुत ऊंचा है, अफगानिस्तान भाई कुछ कहना चाहिए यार, मुझे पता है बोल रहे थे यार, बाप बेटा जब बहस कर रहे हो कभी बेटा जीता है नहीं ना, फिर यहाँ से अंदाजा लगा लो भाई, बाप जीतेगा इंडिया जीतेगा, अफगानिस्तान बढ़ गया यार। पहली बात यार, मैं अफगानिस्तान को ना इस चीज पे अप्रिशिएट करूंगा, चाहे जो भी है यार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई 60% चांसेस इंडिया के हैं और जो 40% चांसेस जो अफगानिस्तान के हैं, ठीक है, और मेरी ये प्रेडिक्शन भी आप समझ लें कि अफगानिस्तान फाइट तो करेगा लेकिन शिकस्त जो अफगानिस्तान की होगी, हालांकि अफगानिस्तान से मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ अफगानिस्तान की टीम की, लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना तो जो हमें समझ आ रहा होता है, जो नज़र आ रहा होता है वो हमें बोलना होता है, ठीक है, तो अफगानिस्तान की टीम ने बहुत विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, कमाल की क्रिकेट, न्यूजीलैंड को हरा दिया, मैं बल्कि ये कहूँगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की दोनों की टीम से ज़्यादा अच्छी क्रिकेट अफगानिस्तान ने खेली है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं भाई, तो इंडिया के पास भी स्पिनर्स बुरे नहीं हैं, ठीक है, आप कुलदीप यादव को देख लें, यानी कि कमाल का बॉलर, आप अक्षर पटेल को देख लें, अगर चहल खेलते हैं तो वो भी आप देख लें, हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की जो ताकत है ना
वो उनकी स्पिन बॉलिंग है, उनकी फास्ट बॉलिंग और उनकी बैटिंग उनकी ताकत नहीं है, उनकी स्पिन बॉलिंग। और इंडिया की जो ताकत है ना, इंडिया की बैटिंग बॉलिंग और साथ में स्पिन बॉलिंग, तीनों जो है इंडिया की आप ये कह सकते हैं ताकत है इस टाइम। हाँ, इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है वो फास्ट बॉलिंग इंडिया की जो है या फिर जो बैटिंग से थोड़ा सा नीचे आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इस मैच में अच्छा करेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कोई एक बंदा बड़ी इनिंग्स खेलने वाला है। और जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो आपको अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और कुलदीप यादव अगर खेले, कुलदीप यादव भी आपको एक से दो या तीन विकेटें लेते हुए नजर आ सकते हैं। अफगानिस्तान की टीम की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की सेमी टीम खेलने वाली है इस मैच में, जो लास्ट मैच में खेली थी। और अफगानिस्तान की जानब से गुरबाज और इब्राहिम जादरान, ये दो बल्लेबाज जो है थोड़े से जो है वो आप ये कह सकते हैं खतरनाक बल्लेबाज हैं, और ये अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट अच्छा अपनी टीम को स्टार्ट देते हैं। लास्ट मैच में तो नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले अच्छा स्टार्ट अपनी टीम को दे रहे हैं और एक अच्छे जो है वो प्लेटफॉर्म तो सेट करके जो है वो अपनी टीम को देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी अफगानिस्तान की बैटिंग मुझे कुछ नजर नहीं आता है, ठीक है। इनके ओपनर अच्छा करते हैं जब, तो इनकी टीम जो है इनकी बैटिंग अच्छा करती है, अगर ओपनर आउट हो जाते हैं तो बाकी इनका मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं जो है वो रेत की दीवार साबित होता है, कई बार हम देख चुके हैं, ठीक है। और इनकी बॉलिंग इनकी ताकत है, खास करके स्पिन बॉलिंग। यार चाहे उन्होंने हमारे पाकिस्तानी कोचिस से अपनी क्रिकेट सीखी है, इंजमाम उलक से सीखी है, वसीम अकरम से, जिसे भी सीखी है, अपनी उन्होंने क्रिकेट कितनी ज़्यादा पॉलिश की है, अपनी क्रिकेट को किस तरह आगे लेके जाए, चाहे राशिद खान है, चाहे जो भी है बॉलर उनका, बैट्समैन है, अपनी उनको उन्होंने अपनी क्रिकेट को किस तरह पॉलिश किया। हम एज अ कम्पेयर टू मैं पाकिस्तान टीम के साथ करूँ तो हमारी पाकिस्तान टीम अभी भी T20 को ना स्लो टेस्ट मैच में खेल के चल रही है, अफगानिस्तान बहुत आगे चली गई भी है। हाँ, रही बात इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, इजीली इंडिया बीट करेगा, उनकी ओपनिंग ही बहुत बड़ी है, ठीक है ना। फाइनल में ब्रो कौन सी अब दो टीमें देख रहे हो यार? वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। और वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड पे है, ट्रॉफी जल्दी देगी नहीं, ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी यार? मेरे ख्याल से ट्रॉफी ना यार वेस्ट इंडीज उठाएगी, क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज नॉट कमिंग स्लो, ठीक है ना। उन्होंने भाई इतना बड़ा इवेंट अपना मिस किया, दो बड़े जायंट्स का मुकाबला होने वाला है भाई, उन्होंने अपना सबसे बड़ा इवेंट मिस किया, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, उन्होंने उस वर्ल्ड कप का बदला ना ओडीआई वर्ल्ड कप का बदला, इस T20 इंडिया ने अपने भी वर्ल्ड कप का बदला लेना है जो अपने होम ग्राउंड पे, वो ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया से लेंगे जरूर, वो 24 तारीख को लेंगे। हाँ, वो 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से जरूर लेंगे, और देखना बड़ा बुरा तरीके से बदला लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारेंगे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया भी कहेगी यार, ट्रेविस हेड भी कहेगा यार मैंने तो इंडिया में जाके चुप है उनके लिए, ये उनके लिए अच्छी बात इसलिए कि वो जो स्कोर बनता है वो मिडल ऑर्डर बना रहे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है। विराट कोहली को तो प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, ना वार्म अप मैचेस की जरूरत है, ना किसी प्रैक्टिस की, ना ही किसी और चीज़ों की, तो वो कम बैक कर जाएगा बड़े मैचों में, अपने सेमीफाइनल में, फाइनल में, और वो करेगा बिल्कुल। मुझे तो अभी भी लगता है टॉप रन स्कोरर अभी गुरबाज है, 160 है उसके, चार मैच ये वाले और एक सेमीफाइनल फाइनल, पाँच मैच फिर भी हैं, तो मुझे अभी भी यही लगता है कि विराट कोहली के पाँच स्कोर है अभी टूर्नामेंट में, वो फिर भी टॉप रन स्कोरर बन सकता है, क्योंकि वो जिस तरह सही। तो अफगानिस्तान कैसा कौन सा प्लेयर है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है? अफगानिस्तान का बॉलर राशिद खान है, मुजीब है, ये दोनों बड़े अच्छे हैं। फजल अकफरूकी बड़ा अच्छा जा रहा है, 10 विकेटें ले ली हैं उसने वर्ल्ड कप में, और ये है कि जो उनके बैट्समैन हैं, बैट्समैन उनके पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, ऊपर से बैटिंग में पावर प्ले में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, रहमान है और इब्राहिम जदरान है, तो टीम तो अच्छी है वो, लेकिन फिर भी इंडिया फेवरेट है, यही है वर्ल्ड कप इंडिया का। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? आदिल। T20 वर्ल्ड कप का अगला टाकरा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होने जा रहा है, क्या लगता है कौन किसको कल टफ टाइम देगा, इंडिया अफगानिस्तान को या फिर अफगानिस्तान इंडिया को? कल का मैच किसके नाम होगा? कल का मैच दोनों टीमें बहुत अच्छा खेलेंगी, दोनों मुल्क के लिए खेलेंगी, पाकिस्तान से अच्छा खेलेंगी। अच्छा, दोनों मुल्क के लिए खेलेंगी, दोनों का कंपटीशन जो होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन अफगानिस्तान स्ट्रगल करके जीतेगा जरूर इंशाल्लाह। आपको क्यों लग रहा है कि कल का मैच अफगानिस्तान के, अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो T20 वर्ल्ड कप की नंबर वन टीम है टीम इंडिया, और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री, आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? हम अफगानिस्तान की सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अफगानियों ने हमारी सपोर्ट नहीं की, हम उनकी करेंगे, लेकिन वो एक बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान से टीम से अच्छा खेलेगी और स्ट्रगल करेगी। पाकिस्तान टीम ने जो ये खचे मारी है ना इन्होंने, जलील किस्म की, इन्होंने तो जलील कर दिया, 120 रन नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी, जरूर करेगी और जीत के दिखाएगी इंडिया से। अच्छा, अफगानिस्तान को इंडिया से जीतने के लिए ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको पहले काबू करना पड़ेगा ताकि वो मैच अपने नाम कर सके? मैच अफगानिस्तान के पास बॉलर बहुत अच्छे हैं, राशिद खान है, दूसरा है
लेकिन इंडिया की जो इंडिया के पास भी बॉलर अच्छे हैं बुमराह वगैरह, लेकिन दोनों का मुकाबला बहुत अच्छा और बहुत टफ होगा। लेकिन कांटेदार मुकाबला है, कल मैच देखने का मजा आने वाला है। पाकिस्तान से अच्छा मजा आएगा देखने का ये वाला मैच। बहुत बड़ा मैच है भाई अफगानिस्तान और इंडिया का।